सोनू निगम अपने ही किए ट्वीट में फंस गए हैं। हाल ही में सोनू ने अजान को लेकर ट्वीट किया था, जिसे लेकर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आपने इस बात का बतंगड़ बना दिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोनू निगम ने अपना सिर भी शेव करवा लिया। सवाल ये है कि जो मौलवी ने 10 लाख रुपए की जुबान दी थी, क्या वो अब सोनू निगम को ये रकम दे पाएंगे? चलिए आपको दिखाते हैं कि सोनू निगम का अपने ट्वीट पर क्या कहना है। कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, वो उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। जब रोज़े रमज़ान होती हैं तो मैं खुद इफ्तारी के लिए बोलता हूँ, मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँ। मेरे घर में जब मेरे पैर में तकलीफ़ थी तो तलत अजीज़ जी ने आके मुझे मेरे घर पर इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज पढ़ी और वो अजान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र करते थे। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इशू है। मैं सिंपल सी बात जो जिस बात को कंस्ट्रू किया गया कि गुंडागर्दी है, उसके पहले का ट्वीट में एक लिमिटेड अमाउंट में लिखा जा सकता है, आप सभी को पता ही है, पूरा निबंध नहीं लिख सकते, यू कांट राइट एन एंटायर एसे ऑन अ ट्वीट। तो उसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट लिखा था, जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है बस, उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास हू एनफोर्स हू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हू डू नॉट फॉलो द रिलीजन। मैं नहीं, मतलब अगर मैं आई कैन नेवर डू दिस टू अ मुस्लिम कि वो उसके घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है। दे विल नॉट इन्जॉय वॉट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ राइट टू देयर ओपिनियन, इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे भुला के नहीं की है। हम आपस में आप ही बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस। जो मैंने कभी बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो इसे उतने तक ही रखें। ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में, एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट। आप इस देश को क्या कर रहे हो? कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है। मैं बिल्कुल ऐसे मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। आजान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अहमद पटेल साहब ने यह बात कही है कि अजान ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। मैं हिंदू के कह रहा हूँ, आरती ज़रूरी है, लाउड स्पीकर नहीं। एक ही बात है, आप बात के क्रक्स को समझिए, आप घुमा फिरा के ना कहिए बात को, प्लीज़।